ये एक अंडा जो है ज़ेब्रा फिंच ने बाहर फेंका हुआ था। इसमें देखें, ये बच्चा जो है वो ज़िंदा है अभी, और मैं इसको अंडे को जो है छीलता हूँ और उसमें से बच्चे को जो है बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। बड़ा नाजुक होता है अंडा ना, उसको बड़े आराम से जो है छीलना पड़ेगा ताकि बच्चा जो है वो साबुत निकल आए बाहर। पेरेंट्स जो होते हैं इसके वो थोड़ा थोड़ा छिलका उतारते हैं। एक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, दोबारा यहीं से कंटिन्यू करूँ। अब इसको मैं किसी और पेरेंट्स के नीचे जो जिसके बच्चे साइज में निकले होंगे, मुश्किल हो रहा है खास से उसके नीचे जो है मैं इसको शेयर पास अभी ट्राईपॉड नहीं है तो, और फिर देखता हूँ कि वो इसको फिट करवाते हैं कि नहीं। आपको निकाल के दिखाता हूँ एक मिनट, इसमें शिफ्ट करके बच्चा ये देखें। मैं इसके अंदर शिफ्ट करने लगा था पर इसके दो बच्चे निकले हुए हैं और इसका एक बच्चा जो है वो मर गया है, वो अब मैं निकालता हूँ। बेचारा पता नहीं कैसे मर गया, हालांकि हैंड फीड भी गर्मी की वजह से शायद मर गया है। ये बच्चा एक्सपायर हो गया है। अब इसमें जो है मैं ये बच्चा शिफ्ट कर देता हूँ, देखते हैं ये बचता है कि नहीं, इसको माँ बाप हैंड फीड कराते हैं कि नहीं। पर ये है तो इससे बहुत छोटा, लग नहीं रहा कि फीड कराएगा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि पहले वाले पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने इसको अंडे को बाहर फेंक दिया था, हालांकि इसको पालना चाहिए था। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर ही रख दिया ये। अब मैं दो दिन बाद देखूंगा कि या कल को देखूंगा कि बचता है कि नहीं, फिर आपको इसकी अपडेट दूंगा। क्योंकि इसका अपना बच्चा तो एक मर गया, उसकी जगह मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। अब ये बहुत छोटा है, अब मैं देखता हूँ ये उसको पालता है कि या इसको मारता है। ये है वो पेड़ जिसके नीचे जो मैंने बच्चा रखा है, और कल तक पता लग जाएगा कि ये फीड करवाता है कि नहीं। माशाल्लाह बड़ा वाइट ब्लैक चीज का प्यारा पेड़ है मेरा, ये बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पालता है। और भी मेरे पास काफ़ी पेड़ हैं, आपको मैं वो बाद में इनकी डिटेल से वीडियो बना कर दिखाऊंगा। ये देखें, एक ये क्रस्टेड का पेड़ है, ये तो वाइट ब्लैक चीज के पेड़ हैं, ये टूबी का फोकस ये टूबी का पेड़ है, और ये पेड़ है जिसके बच्चे जिसने वो अपना जो अंडा वो बाहर फेंक दिया था। तो आपको तो मैं जल्द जो है वो और वीडियोस बना के दिखाऊंगा अपने पेड़ की डिटेल बाय डिटेल। ये पेड़ भी देखें, उसके ऊपर बैठा हुआ है एंड एक्स के ऊपर इसके, और एक स्नो वाइट इसने आज क्रॉस किया है, ये कल या परसों तक एक्स दे देगा। स्नो वाइट का पेड़ है मेरा ये, बाकी मैं आपको बाद में डिटेल जो है अपडेट करता रहूँगा साथ साथ वीडियो बना के।